Good morning, students. Today in GK, I am going to discuss the chapter number 27, word game. यानि word किस तरीके से different different purpose को fill करते हैं, पूरा करते हैं, that we are going to see. A. Take the correct word in the bracket to complete the sentences. यहाँ पे आपको कुछ words दिए गए हैं, आपको fill बताना है इसमें से correct word कौन सा वहाँ पे fill होगा. First one in this, I could not go out because of the bad weather. आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो pronunciation है, that is the same, similar है. दोनों का ही pronunciation क्या है? Weather. But the difference is in their meanings. Let us understand what is the difference between this weather weather and wheather. ये दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है. This weather, weather, this means the climate at a certain place and time. How much wind, rain, sun, etc. ये सारी चीजें यानी आपका क्लाइमेटिक चीजें जो इफेक्ट हो रही हैं, that is known as the weather. And what is the meaning of weather? Weather. इसका मतलब होता है expressing a choice or doubt between two or more possibilities. यानी क्या express कर रहे हैं ये? Doubt, वो भी दो या उससे ज्यादा possibilities के between them. So, I could not go out because of the bad weather. क्या आएगा यहाँ पे? यानी climate अच्छी नहीं थी, climate जो था बाहर का वो ठीक नहीं था, उसके वजह से क्या किया गया? वो बाहर नहीं जा सका. So, you will take in this weather. Second one, Joseph is carrying flowers for his grandmother's grave in the cemetery. Cemetery, both the pronunciation is similar. But the meaning are different. So let us see कि जो जोसेफ है फ्लावर्स के साथ अपने ग्रैंड मदर्स के ग्रेव में जा रहा था तो दैट विच सिमेट्री. CEMETERY. Symmetry. This means a place where dead people are buried, specially a place that does not belong to a church. Okay? यानी जहां पे डेड पीपल को क्या किया जाता है? बरीड किया जाता है. And this SYMMETRY. This symmetry means a state of having two halves that match each other exactly in size and shape. So, which one in this? You will take symmetry. CEMETERY. Third number. I felt embraced, embarrassed and stared at my shoes. यानी I felt and stared at my shoes. अब embraced, embarrassed ये दोनों का ही क्या देखेंगे? Meaning we are going to see and we are going to see which one is the correct, which will suit this sentence. EMBRACED. Embraced का मतलब होता है that is to put your arms around somebody as a sign of love, happiness, etc. यानी किसी के बॉडी पे आप क्या करते हो? उसे गले लगाने के बजाय क्या करते हो? आर्म्स अपना उसके अराउंड में पुट करते हो टू शो दिस साइन ऑफ लव. यानी आप उसे कितना प्यार करते हो और द हैप्पीनेस यू आर फीलिंग टू शो दैट वी आर यूजिंग द एम्ब्रेस्ड. एंड एम्ब्रेस्ड मीनिंग फीलिंग अनकम्फर्टेबल और शाई. इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग अनकम्फर्टेबल और शाय. या फिर कुछ हम लोग ऐसा सिलिक कर देते हैं जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो हम लोग को देखने लगते हैं. दैट इज नोन एज एम्बेरिस्ड. वी आर फीलिंग एम्बेरिस्ड. सो द करेक्ट वन विल बी विच वन इन दिस? सो यू विल टेक हियर एम्बेरिस्ड. यानी क्या? आई फेल्ट एम्बेरिस्ड एंड स्टेड एट माई शूज. फोर्थ नंबर. I visit his house occasionally. Both pronunciation is same but the meanings are different or sometimes some spellings are not appropriate also. So in this which occasionally it will come? Or occasionally ka matlab kya hota hai? Irregular intervals.
ओके तो यहाँ पे किसका होगा, इरेगुलर इंटरवल्स पे, यानी हम लोग ओकेशनली किसी के घर पे जाते हैं, कोई सर्टन हमेशा नहीं जाते हैं, तो वो कौन सा ओकेशनली होगा? ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई, ओकेशनली. सो यू विल टेक हियर. फिफ्थ नंबर, आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेशनरी. स्टेशनरी बोथ्स द प्रोनाउंसिएशन इज सेम. लेट अस सी द मीनिंग्स ऑफ बोथ द टर्म्स. एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई, इसका स्टेशनरी का मतलब होता है कुछ राइटिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि पेन्स, पेंसिल, पेपर, एनवलप्स, ये सारे जहां पे मिलते हैं उस शॉप को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी. एंड दिस स्टेशनरी एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, दिस स्टेशनरी मीन्स समथिंग दैट इज नॉट मूविंग. सो हम लोग शॉप पे गए कुछ खरीदने के लिए, दैट इज दिस स्टेशनरी. सो यू विल टेक इन दिस स्टेशनरी. नेक्स्ट सिक्स नंबर, ए स्टिच इन टाइम सेव्स अ नाइन. नाउ द मीनिंग ऑफ स्टिच, स्टिच एस टी आई टी सी एच, इस स्टिच का मतलब क्या होता है? इस स्टिच का मतलब होता है यानी कोई भी चीज कैसे सिलना, स्टिचेस होते हैं, या फिर स्टिचेस आप कह सकते हो, या फिर अगर कोई गिर जाता है, बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो उस पर क्या करना पड़ता है, मान लीजिए ऑपरेशन जैसे होता है, उसको स्टिच करते हैं. जैसे थोड़ा सा भी चोट लग गई और स्किन वहां से डैमेज हो जाता है, देन स्टिच डॉक्टर स्टिचेस दैट पार्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिच. एंड एस टी आई सी एच, दिस मीन्स अ लाइन ऑफ पोएट्री. सो अ स्टिच, दिस वन स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. सेवेंथ वन, शी congratulated me on my success. Congratulated and congratulated, which one is correct in this? Congratulated, C O N G R A T U L A T E D. So yani ye ek aisa word hai jo express karta hai kisi ko praise karne ke liye for their achievement or good wishes on a special occasion. Now we will move on to the B question. Some words sound similar but have different meanings. As I have told you, yani kuch words similar kya hote hain, sound karte hain, lekin jo unke meanings hote hain wo kya hote hain? Different hote hain. Take the correct options given for each sentence. Aapko yahan pe correct option ko tick karna hai. Dear little Anu was excited to see the deer at the zoo. Now which deer you have to use here? एक डी ई ए आर, डियर का मतलब होता है यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ लेटर बिफोर द नेम और टाइटल ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू. यानी आप जिसे राइट कर रहे हो लेटर, उसका जो स्टार्टिंग होता है, हम लोगों का बिगनिंग होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? डियर. एंड डी डबल ई आर मीन्स हिरन, एक ग्रास ईटिंग एनिमल है ये. सो विच डियर इट विल कम हियर? Can you guess? Yes, this D E A R. Deer Anu was excited to see the which deer? कौन सा deer वो देखना चाहती थी? Yes, hiran at the zoo. Zoo में क्या देखेगी वो? Deer को, hiran को. Second one, the knight started on his journey that every night. अब यहाँ पे N I G H T, night, good night बोलते हैं ना आप लोग सभी लोग अपने parents को, मम्मी पापा को सोने से पहले. दैट नाइट इट इज एन आई जी एस टी. एंड के एन आई जी एस टी यानी नाइट के पहले अगर के लग जाता है, दैट मीन्स अ मैन हु हैज बीन गिवन ए टाइटल ऑफ ऑनर बाय अ किंग और क्वीन फॉर गुड वर्क ही हैज डन एंड हु कैन यू सर इन फ्रंट ऑफ हिज नेम. यानी ऐसा पर्सन जो अपने नाम के आगे सर का यूज कर सकता है और एक ऑनर किंग या क्वीन के द्वारा दिया जाता है किसी को उसके अच्छे काम के लिए. सो विच नाइट इट विल कम हियर? कैन यू गेस? यस, नाइट, दिस वन, के एन आई एन आई जी एच टी. स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी दैट एवरी नाइट, एन आई जी एच टी, नाइट, दिस वन यू विल टेक. थर्ड वन,
Look how pale she is. She really should not be lifting that pail of water. हम लोग एक स्टोरी या फिर पोयम, नॉट स्टोरी, पोयम हम लोग लर्न किया है. जॉन फेच अ पेल ऑफ वाटर, है ना. ये लाइन आप लोगों के किसी पोयम में मिला हुआ है. तो ये पोयम हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पेल का मतलब क्या होता है. PALE, पेल, इसका मीनिंग होता है हैविंग स्किन दैट इज लाइट इन कलर ऑफन बिकॉज ऑफ फियर और इलनेस. एक ऐसा स्किन जो कि लाइट कलर का स्किन होता है, जो हम लोगों के स्किन पे क्यों आता है, फियर या फिर इलनेस की वजह से. एंड सेकेंड पेल, PAIL का मतलब होता है अ बकेट टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, यानी ठीक है ये पेल PAIL दैट इज बकेट. सो विच पेल यू विल मार्केट हियर, दिस वन PALE. लुक हाउ पेल शी इज, शी रियली शुड नॉट बी लिफ्टिंग दैट पेल ऑफ वॉटर. यस, फोर्थ नंबर, शी रोड हर हॉर्स प्राउडली डाउन द रोड एंड रॉड. नाउ विच रॉड शी, वॉट, यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, RODE का, टू सिट ऑन अ हॉर्स ETC एंड कंट्रोल इट एज इट मूव्स, यानी हॉर्स पे बैठ जाना, उसे चलाना और उसे कंट्रोल करना. और ROAD का मतलब क्या होता है, यस, एक वे बिटवीन प्लेसेस, रोड आप सभी लोग जानते हो जिसपे व्हीकल्स चलते हैं, दैट शी रोड. यस, हियर यू विल टेक हर हॉर्स प्राउडली डाउन दी रोड, किस पे चला रही थी वो, रोड पे. नाउ फिफ्थ नंबर, रीता, हैरी एंड यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सुसान, थैंक यू, व्हाट अ लवली कॉम्प्लीमेंट. आप यहाँ पे देख सकते हो द COMPLIMENT एंड COMPLEMENT दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिमिलर. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ COMPLEMENT. एक ऐसा थिंग दैट गोज बिफोर विद, वेल विद समथिंग एल्स, यानी बहुत ही अच्छा चीज दे हम लोग किसी को अगर इम्पार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट. किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छी दिख रही है या फिर समथिंग लाइक दैट, देन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. सो हैरी एंड यू, विच वन इट विल बी, कैन यू गेस? यस, इन दिस इट विल बी कॉम्प्लीमेंट, एंड हियर यू विल मार्केट हियर कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 29 चैप्टर नंबर, माइथोलॉजी. अब इसका मतलब क्या होता है, वेरी ओल्ड स्टोरीज एंड बिलीव्स कंटेंड इन देम. माइथोलॉजी इज अ सेट ऑफ स्टोरीज, ट्रेडिशंस और बिलीव्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप और द हिस्ट्री ऑफ इवेंट. यानी एक सेट होते स्टोरीज का या फिर किसी ट्रेडिशंस का या फिर बिलीव्स का ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी ग्रुप के बारे में या फिर हिस्ट्री ऑफ इवेंट. Find out how interesting mythology is. Let us see. First one. Sita was Rama's wife. Who was Lakshmana's wife? Lakshman ki wife kaun thi? Agar Sita Ram ki wife thi, to Lakshman ki wife kaun thi? Yes, Urmila. So you will fill it here. URMILA. Urmila. Second one. Name the son of Arjuna who was killed in the Chakravyuh in the Mahabharata war. महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसमें जो आपको बताना है, नेम बताना है सन ऑफ अर्जुन, जो कि चक्रव्यूह से क्या हुआ था, चक्रव्यूह से उसे क्या मारा गया था. So who was he? Abhimanyu. So you will fill it here. ABHIMANYU. Abhimanyu. Third number. Who is the god of fire in Hindu mythology? God of fire हम किसे कहते हैं Hindu mythology में? That is Agni. आग को कहते हैं ना? Yes. AGNI. Agni. Who was Mandodari? Yes. Mandodari कौन थी? Can you guess anyone? रावण्स वाइफ, यानी रावण की वाइफ थी मंदोदरी. सो यू विल राइट हियर आर ए
V-A-N-A, रावणास वाइफ, W-I-F-E, यानी रावण की वाइफ थी मंदोदरी. नेक्स्ट फिफ्थ वन, हु इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी. कौन है ग्रीक गॉडेस लव और ब्यूटी के? हु इज ही? अफ्रादिता. सो यू विल राइट हियर A P H R O D I T A, अफ्रादिता. सिक्स नंबर, हु इज द ग्रीक गॉड फॉर म्यूजिक लाइट एंड हीलिंग. कौन है ये ग्रीक गॉड? अपोलो. A P O double L O, अपोलो. सेवेंथ वन, हु इज द सन गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी. सन गॉड ग्रीक माइथोलॉजी में कौन है? हीलियस. H E L I O S, हीलियस. एट्थ वन, हु इज द किंग ऑफ ऑल ग्रीक माइथोलॉजी. किंग ऑफ ऑल ग्रीक माइथोलॉजी कौन है? जियस. Z E U S, जियस. नाइन्थ वन, विच बर्ड ट्राइड टू स्टॉप रावणा फ्रॉम टेकिंग अवे सीता. नेम्ड. ऐसा कौन सा बर्ड था, ठीक है, बर्ड का नाम बताना है आपको, जो कि स्टॉप किया रावण को सीता को ले जाने से. हु वॉज दैट बर्ड? बर्ड का नाम क्या था? जटायु. सो यू विल राइट हियर जे ए टी ए वाई यू, जटायु. टेंथ नंबर, हु इज द सन गॉडेस ऑफ जापान. सन गॉडेस जापान का कौन है? दैट इज मद्रासु. सो यू विल राइट हियर ए एम ए टी ई आर ए एस यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 32. चैप्टर नंबर 32, नेशनल फ्लावर्स. नेशनल फ्लावर्स आर सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री. जो नेशनल फ्लावर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी कंट्री के सिंबल्स को. जिस तरीके से हमारे इंडिया का कौन सा है नेशनल फ्लावर? दैट इज लोटस. एंड व्हाई द लोटस वाज चूजन? लेट अस सी. द लोटस वाज चूजन बाय द एज द नेशनल फ्लावर बिकॉज इट एंजॉयड अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन एशियंट ट्रेडिशंस, स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजी. द भगवद गीता considers it a metaphor for detachment. Just as the lotus remains untouched by the muddy water in which it grows, human beings should rise above worldly attachment. जिस तरीके से लोटस जो क्या होता है, अब जो कीचड़ में खिलता है वो, और उस कीचड़ से ऊपर उठा होता है वो, कीचड़ में दबा नहीं होता है वो, कीचड़ के साथ में अटैच नहीं होता है, उसी तरीके से हम सारे ह्यूमन बीइंग्स को भी वर्ल्डली, यानी जो हमारे वर्ल्ड में हो रहा है या फिर ये जो संसार है इसमें जो कुछ भी होता है उससे हम लोग को ऊपर उठना चाहिए. जिस तरीके से लोटस कीचड़ में खिलने के बावजूद वो उससे ऊपर होता है. नाउ लेट अस सी कौन कौन से कंट्रीज के नेशनल फ्लावर्स कौन से हैं. फर्स्ट वन इन दिस लोटस. आई हैव टोल्ड यू लोटस कहाँ का है? इंडिया. यस. सो यू विल मार्क इट हियर वन नंबर. नाउ सेकंड नंबर, थिस्टल. ये कहाँ का है नेशनल फ्लावर? दैट इज स्कॉटलैंड. सो यू विल मार्क इट हियर टू नंबर. थर्ड नंबर, ट्यूलिप. जो ट्यूलिप फ्लावर है वो कहाँ का है? कैन यू गेस? यस, टर्की. सो यू विल मार्क इट हियर थर्ड नंबर. फोर्थ, इट इज लैवेंडर. वेयर इट इज? कैन यू गेस? यस, इट इज पोर्टुगल. सो यू विल मार्क इट हियर फोर्थ नंबर. फिफ्थ नंबर, ब्लू कॉर्न फ्लावर. ब्लू कॉर्न फ्लावर कहाँ है ये? कैन यू गेस? यस, इट इज फिफ्थ वन. कहाँ पे आ गया ये? जर्मनी. ब्लू कॉर्न फ्लावर जर्मनी. सो विल मार्क इट हियर फिफ्थ नंबर. सिक्स नंबर, इट इज जैस्मिन. जैस्मिन कहाँ का है ये? पाकिस्तान. सो यू विल मार्क इट हियर सिक्स नंबर. डालिया. वेयर? कहाँ का है ये?
मेक्सिको. सो यू विल मार्क इट हियर मेक्सिको. विच वन, कौन सा होता है ये? सेवेंथ नंबर, दैट इज डालिया मेक्सिको. यू विल मार्क इट इज सेवेंथ नंबर. एट्थ नंबर, गोल्डन वैटल. गोल्डन वैटल के कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया. यू विल मार्क इट हियर एट्थ नंबर. नाइन्थ, हिबिस्कस. हिबिस्कस कहाँ का है? मलेशिया. नाइन्थ नंबर. चेरी ब्लॉसम. चेरी ब्लॉसम कहाँ का है ये? कैन यू गेस? जापान. सो यू विल मार्क इट हियर टेंथ नंबर. नेक्स्ट, इलेवेंथ वन, वाटर लिली. इट इज बांग्लादेश. सो यू विल मार्क इट हियर इलेवेंथ नंबर. शैमरॉक लीफ, विच कंट्री इट इज? आयरलैंड. सो यू विल मार्क इट हियर ट्वेल्थ नंबर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल learn the chapter number 27, 29 and 32 and you will fill them in your book also. Chapter number 27, 29 and 32. That's all for today. Thank you.